यस, हनी सिंह के लाइफ से भी हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। कैसे? देखो पूरा वीडियो। देखो, हनी सिंह का इंट्रोडक्शन देके मैं आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ओके? क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है और बच्चा बच्चा उनके गाने गाता है स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, पार्टी वार्टी में। ये वो चार बोतल वोडका या ब्लू आइज हिप्नोटाइज देसी कलाकार कुछ ना कुछ तो बजता रहेगा लुंगी डांस, हाँ, क्योंकि उतना पॉपुलर है वो बंदा। तो इस देसी कलाकार और इस पंजाबी जट की लाइफ से हमको क्या सीखने का मिलेगा, उसके बारे में पूरे वीडियो में बात होगी। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोग की लाइफ में से ही देखने का, हाँ, पॉजिटिव विचार है ना, सबके अंदर से कुछ ना कुछ सीखने का ट्राई करो। बुरा देखोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा उसके अंदर देखोगे ना तो अच्छा ही मिलेगी भाई। पहला लेसन क्या सीख सकते हैं कि जो हेटर्स है ना, वो तो हेट करते रहेंगे, वो बकते रहेंगे, उसको इग्नोर करो और भागते रहो अपने सक्सेस के रास्ते के अंदर। क्या क्या बोलते हैं, लड़कियों के बारे में अनाप शनाप बकता है, ऐसे गाने बनाता है, दारू के ऊपर गाने बनाता है, वो क्या यूथ को अलग रास्ते पे ले जा रहा है। बंद कराओ ये सब गाने वाने, बंद कराओ, बैन लगाओ, तो भी वो करता गया ना, गाने बनाता गया ना, और वही गाने के ऊपर तुम ही नाचते गए ना, और तुमने उसको पॉपुलर बनाया ना, और आज वो कहाँ पे है देख सकते हो ना। क्यों? क्योंकि उसको जो ठीक लगा वो उसने किया, उसका दिल जो बोला उसने वो किया। कुत्ते भौंकते रहेंगे तो क्या करना है, इग्नोर करके अपने रास्ते के ऊपर चलता रहना है, दौड़ता रहना है, जैसी मर्जी आपकी, और जो आपको ठीक लगे वो करता रहना है, अब बोलने वाले बोलते रहेंगे। ओके, दूसरा लेसन कि बड़ा सोचो, बहुत बड़ा। आपने कई अवार्ड फंक्शन में या उनके इंटरव्यू में या उसके गाने में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ग्रैमी लाना है, ग्रैमी अवार्ड लाना है, और उसके ये स्टेटमेंट के ऊपर लोग हंसते हैं, घंटा ये ग्रैमी लाएगा, पहले अपना थोबड़ा तो देख, क्या किया वो सब, मतलब कमेंट्स करते रहेंगे करने वाले, हाँ। पर यहाँ पे भाई, उसने ना वो सपना देखा, उसके अंदर उतनी वो हिम्मत है कि आप लोगों के सामने उसका सपना उसने बताया, हाँ, उतना डेयरिंग है उसने वहाँ पे देखा नहीं कि तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा। तुम्हारे रिएक्शन से उसको घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, हाँ, उसको जो करना है उसने वो सोच लिए, वो करेगा। अरे, इवन मेरे फेसबुक के प्रोफाइल के अंदर मेरे चार पांच फ्रेंड का नाम कहाँ से शुरू होता है पता है, यो यो, इतने ज़्यादा पागल फैंस है उसके। तो ट्रेंड सेट किया है ना। तीसरा, जो अपना स्टाइल है उसको फॉलो करो, आप जैसे हो वैसे रहो, ओके? अपनी यूनिक स्टाइल को फॉलो करो, जो आपकी स्टाइल है उसको फॉलो करो। आज के ज़माने में क्या है, जो लोग हैं नहीं ना वो बनने का ट्राई करते हैं, हाँ, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे ना तो इतना इंग्लिश जाड़ेंगे ना कि उसके बाप का दादा तो दादा वो क्या वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था ना वैसे। तो जो स्टाइल है वैसा करो, ऐसा नहीं है वो शो ऑफ मत करो। कौवा है ना कौवा, वो कितना भी फेयर एंड लवली लगा लेना पर वो काला ही रहेगा, गोरा नहीं बनेगा, याद रखना। तो जो अपना स्टाइल है उसको फॉलो करो, उसके अंदर मेहनत करो, बाद में वो स्टाइल आपका ऊपर आएगा और उसके एक दीवाने बनेंगे सब लोग। तो जो स्टाइल है आपका वो स्टाइल रखो, हाँ, किसी को कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है और कोई दिखावा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ओके? सो फॉलो योर स्टाइल और आपकी स्टाइल में रहो। फिर बंदे को है ना पास्ट से कभी भी जज मत करो, भले उसने पास्ट में गंदे गाने बनाए या कुछ भी बनाया, पर आज वो कहाँ पे है पता है, आज वो कहाँ पे, उसके साथ शाहरुख, उसके साथ सलमान, उसके साथ अमिताभ बच्चन नाच रहे हैं, पता है ना। कोई भी इंसान कभी भी कोई भी टर्न मार सकता है लाइफ में, याद रखना। तो किसी को कम मत समझना, जो लोग आपको प्यार करते हैं ना उन लोगों के लिए जियो लाइफ के अंदर, उन लोगों को हमेशा खुश करने का ट्राई करो। हनी सिंह हमेशा अपने फैंस के लिए जीता है, अपने फैंस के लिए गाना बनाता है, उन लोगों को जो पसंद आते हैं वो करता है। तो रिस्पेक्ट करो उन लोगों को जो हमको प्यार करते हैं, जिन्होंने हमारा साथ निभाया, जिसकी वजह से हम हैं, राइट? तो उन लोगों को भी भूलना नहीं चाहिए। तो ये सब लाइफ के लेसन्स है हमको हनी सिंह सिखाता है, और अच्छा लगे तो आप कोई भी लेसन अपनी लाइफ के अंदर डाल सकते हो, सीख सकते हो, समझे? तो यहाँ पे वीडियो फिनिश होता है, मैं चला हनी सिंह के गाने सुनने, आप जाइए, आप अपना काम करिए, अगला वीडियो देखने के लिए ज़रूर आइएगा। तब तक टेक केयर।